बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इंजीनियर उस्मान खालिद हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर्स। तो सबसे पहले रजिस्टर है क्या? रजिस्टर मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट को हम लोग रजिस्टर कह देते हैं, और ये रजिस्टर बनता है फ्लिप फ्लॉप की मदद से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग अगर कंबाइन कर लें फ्लिप फ्लॉप्स को, तो हम लोग उसको रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 4 बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास 4 क्या होंगे? फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, जो क्या करेगा, हमारा डाटा को स्टोर करेगा। तो फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करके हम लोग रजिस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 8 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो हमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। हर फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर रखेगा। ठीक है, और अगर हम लोग के एन नंबर ऑफ बिट्स हैं जिनको हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो हमारे पास एन फ्लिप फ्लॉप्स होंगे जो उसको स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग 4 बिट रजिस्टर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना लेता हूँ और हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। अब सब फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो कॉमन होगी, तो ये सिंक्रोनस डिवाइस होगी हमारे पास। ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप काम करेंगे क्लॉक पे, और ये राइजिंग एज पे काम करेंगे। एक्टिव हाई डिवाइसेस हैं, और हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप है। तो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे जो भी डाटा हम लोग सेंड करेंगे वही हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, इनपुट पे मैं कह देता हूँ कि इधर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आई नॉट। ठीक है, और इसी तरीके से इनपुट पे I1 2 बिट्स होगी। थर्ड बिट हमारे पास I2 आ रही है, और फोर्थ बिट हमारे पास I3। तो जब भी हमारे पास क्लॉक की राइजिंग आ जाएगी तो यही डाटा हमें मिलेगा आउटपुट पे। आउटपुट पे हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है A0 A1 A2 और A3 है हमारे पास। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक रीसेट के लिए, रीसेट लॉजिक के लिए हम लोग एक्टिव लो यूज कर लेते हैं। जब भी हम लोग इसको रीसेट करना चाहेंगे एक एक्टिव लो सिग्नल चलते हैं। अब मैं इंफॉर्मेशन सेंड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1001, ये मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो जब क्लॉक के मेरे पास हाई पल्स आएगी तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। A0 पे हमारे पास 1 आ जाएगा, A1 पे 0, इसी तरीके से A2 का डाटा I2 का डाटा A2 पे आ जाएगा 0, और I3 का डाटा A3 पे आ जाएगा 1। इसके बाद जब तक हमारे पास राइजिंग एज नहीं आती, इनपुट अगर मैं चेंज कर देता हूँ, एक इनपुट चेंज कर देता हूँ 0, इस इनपुट को चेंज कर देता हूँ 1, आउटपुट डाटा उस वक्त तक स्टोर रहेगा जब तक हमारे पास इनपुट सॉरी जब तक हमारे पास क्लॉक की राइजिंग एज नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ही क्लॉक की राइजिंग एज आएगी ये क्या करेगा, आउटपुट डाटा को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसका मतलब है ये डाटा स्टोर रहेगा हमारे पास, एक राइजिंग पल्स से नेक्स्ट राइजिंग पल्स तक हमारे पास डाटा स्टोर रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास डाटा जो है आउटपुट डाटा डिपेंड करता है इनपुट पे। अगर हमारी इनपुट चेंज हो जाती है तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हमारे पास इश्यू ये आ रहा है कि अगर हम लोग डाटा को देखें तो आउटपुट डाटा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। जब भी नेक्स्ट राइजिंग एज आ रही है हमारा डाटा आउटपुट पे चेंज हो रहा है, जबकि बाकी दोनों बिट्स हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा डाटा स्टोर रहे, अगर इनपुट को अगर हम लोग चेंज भी कर दें तो आउटपुट हमारी चेंज ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे कोई अपनी सर्किटरी ऐड करेंगे।
अपना एक कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक लगाएंगे जिसकी बेस पे हमारा आउटपुट तभी लोड होगा जब हम लोग उसको कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनपुट का डाटा आउटपुट पे नहीं जाना चाहिए जब तक हम लोग खुद ना चाहें। ये तो राइजिंग एज के साथ साथ डाटा आपका आउटपुट पे जा रहा है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।